देश में पूरे तरीके से धर्म को एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम का उपयोग किया जा रहा है। यह देश मूल रूप से धार्मिक है और हर धर्म को सम्मान करना हमारे सनातन धर्म का एक विशेष अंग है, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े अच्छे ढंग से सर्वधर्म संभाव का एक जो हमारा चरित्र है वो शिकागो के उनके भाषण में उसका उल्लेख किया था। सनातन धर्म वो धर्म है जो सबका सम्मान करता है, प्राणियों में सद्भावना की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है, ये सनातन धर्म है। वैमनस्यता की बात सनातन धर्म कभी नहीं करता, किसी भी अंग में नहीं करता, और यही सबसे बड़ी शक्ति हमारी है जिसकी वजह से 1000 साल देश में गैर हिंदुओं का राज होने के बावजूद भी हमारा सनातन धर्म आज भी कायम है, कायम था और कायम रहेगा, क्योंकि ये सबका सम्मान करता है, सबको साथ लेके चलता है। इसलिए साथियों, आज भारतीय संविधान भी खतरे में है। भारतीय संविधान जो आज़ादी की लड़ाई के बाद लाखों करोड़ों लोगों ने त्याग तपस्या और बलिदान से इस देश को आज़ाद कर दिलवाई, और महात्मा गांधी ने बाबा साहब अंबेडकर को ये जिम्मा सौंपा, क्योंकि इस देश के गरीबी और जिस प्रकार का यहाँ पर भेदभाव था, सामाजिक भेदभाव, उसको मिटाने के लिए महात्मा गांधी ने ये महसूस किया कि ऐसे व्यक्ति को संविधान रचने की जवाबदारी देनी चाहिए जिसने कि ये सब सामाजिक उत्पीड़न को सहा है, गरीबी को सहा है, और उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर जो कि सुशिक्षित बारेट लॉ और सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। साथियों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अंग है कि किसी तरह से अमीर और गरीब की खाई पाटने की आवश्यकता है, ये हमारे संविधान का अंग है। हमारे संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति का विशेष तौर पे दर्जा इसलिए दिया गया है कि हजारों वर्षों से इनके साथ समाज ने अन्याय और अत्याचार किया, जबकि हमारे सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था कोई जन्म से नहीं है, ये कर्म से है, उसके और उसके गुण से है। लेकिन छुआछूत ने पूरे देश में सनातन धर्म को एक दूसरा रूप दे दिया, उसको मिटाने का उसमें विशेष तौर पर उल्लेख किया गया, और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए स्पेशल प्रावधान किया गया। आज वो सारे जो अधिकार हैं उसको समाप्त करने का कुटिल प्रयास किया जा रहा है। हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के वर्ग हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख कुछ हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, इन सब के जो प्रावधान और उनके लिए सुरक्षा के लिए जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उनको भी समाप्त करने का कुटिल प्रयास किया जा रहा है। इसलिए साथियों, आज जहां लोकतंत्र खतरे में है वहीं संविधान खतरे में है, क्योंकि जो हमारे न्यायपालिका और लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, इसके अंदर भी जिस प्रकार से बिना चर्चा के बिल पास किए जा रहे हैं,